आइए और जानकारी लेते हैं कि आज सभी संगठनों के जो एनजीओ हैं या अपने संगठन चला रहे हैं, आज मीटिंग में जो लोग आए थे हमारे बीच में एक साथी और आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज मीटिंग में क्या हुआ। सर आपका नाम? मेरा नाम जय भगवान गौतम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर मिशन एनजीओ है। और मंत्री साहब के ने बुलाया हमें, सभी संगठनों को यहाँ पर इकट्ठा किया और मंत्री साहब ने जो एक बहुत अच्छा जो आज एक नाम दिया, उन्होंने कहा कि हम कोई भी किसी जाति में ना हम बट करके हम एक जाति सबकी रखें, अम्बेडकरवादी। तो हम अगर कोशिश करें सब लोग अगर अम्बेडकरवादी लिखें, SC ST के जो जितने भी लोग हैं वो अपने आप को अम्बेडकरवादी लिखें। और मंत्री साहब का ये सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। गौतम साहब, अम्बेडकरवादी ही क्यों नाम लेना चाहिए, अम्बेडकरवादी ही क्यों नाम रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं जाट, उपासी, कबीर, खटीक, तो इनमें आपस में विषमता पैदा होती है, हम आपस में बटे से नज़र आते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम अलग अलग हैं, एक एक की जैसे एक संतरे के अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं, तो ये संतरा एक ही है। तो इसलिए जो मंत्री साहब ने जो एक सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव है, ये अम्बेडकरवादी, हम अपने आप को जहाँ पर लिखे अम्बेडकरवादी लिखें कि अम्बेडकरवादी की अपने आप में एक पहचान है, उसे कोई जरूरत नहीं है कि ये दलित है, हरिजन है, ये खटीक है, ये चमार है, ये पासी है, ये इस तरह का कोई भी शब्द का प्रयोग ना करके अम्बेडकरवादी का प्रयोग करें। गौतम साहब, अभी मंत्री जी ने आप लोगों का सहयोग मांगा है, तो आप किस प्रकार से इनका सहयोग करेंगे? हम जितनी भी दिल्ली की संस्थाएं हैं हम सभी को इकट्ठा करके मंत्री साहब के साथ दोबारा से मीटिंग करेंगे और मंत्री साहब के जो भी सुझाव होंगे हम उस पर अमल करेंगे। ओके, धन्यवाद।